हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक एंट्री लेवल रेसिंग चैंपियनशिप बाइक के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो रिवील हो गई है एंड जिसका नाम है जो कि हमें एटम GP1 जो है हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये एडल्ट के लिए नहीं, 10 साल से 17 साल के बच्चों के लिए जो ये बाइक है जो कि डिजाइन की है एंड ये हमें एक रेसिंग चैंपियनशिप की जो बाइक है वो देखने को मिलेगी। तो गाइस, बात करने वाले इसके अंदर हमें किस तरह के यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड क्या हमें खासियत जो कि इस रेसिंग चैंपियनशिप बाइक को बनाने में जो है हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग जो कि हमें काफी ज्यादा हमें नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज इसका प्राइस हमें 2.75 लाख रुपीज प्लस GST प्राइसिंग के साथ जो है हमें देखने को मिलता है। एंड ये भी हमें इसका जो बेस मॉडल है उसका प्राइस देखने को मिलेगा, जो इसका अपर मॉडल है उसका प्राइस तो जो है वो कंपनी ने रिवील ही नहीं किया है। तो फ्रेंड, एक 10 से 17 साल के बच्चे के लिए एक रेसिंग बाइक और उसका इतना प्राइस, काफ़ी यूनिक बायर्स ही जो है उसे लेने वाले हैं, या कह सकते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं है वही इस बाइक को जो है वो परचेस करने वाले हैं। ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर तो गवर्नमेंट लाइसेंस भी इशू नहीं करती, बट पता नहीं चल रहा है कि 10 से 17 साल के लिए कंपनी ने बाइक कैसे लॉन्च कर दी, कैसे अप्रूवल मिल गया, आई डोंट नो, वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो क्या हमें इंजन देखने को मिलता है? तो गाइस, इसके अंदर हमें 159.3 cc का यानी 160 cc का हमें सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। हालांकि ये हमें टू वॉल यानी कार्बोरेटर इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर में 15 bhp का पावर एंड 13.85 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमें 160 cc बाइक के अंदर हमें जो पावर आउटपुट देखने को मिलता है, सेम पावर आउटपुट के साथ हमें ये बाइक भी देखने को मिलेगी। तो चैंपियनशिप के हिसाब से हमें पावर काफ़ी कम देखने को मिलता है और ये बाइक बेसिकली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है, तो उनके लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट बाइक बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमें 160 cc का यानी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक भी जो है वो जा सकती है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें एक तो इंजन देखने को मिलता है जो कि हमें 160 cc का देखने को मिलेगा एंड साथ ही में हमें ऑब्वियसली बच्चों के लिए डिज़ाइन की है इसलिए इसके अंदर हमें कस्टम भी फ्रेम देखने को मिलती है। फ्रंट में हमें USD फ्रॉक्स देखने को मिलेगा एंड रियर में हमें मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग के बारे में बात करो तो फ्रेंड, इसके फ्रंट में हमें सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है एंड इसके रियर में हमें पेटल डिस्क जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड जो एलॉय व्हील्स का साइज है जो कि हमें 12 इंच का, यानी जो TVS एनटॉक है उसी के जो TVS के रेमोरा टायर्स देखने को मिलते हैं, वही सेम टायर्स हमें इस बाइक के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं गाइस, एक 160 cc बाइक को मॉडिफाइड करके एक चैंपियनशिप बाइक का डिज़ाइन दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, और कहने के लिए हमें इंडिया के फर्स्ट किड्स रेसिंग बाइक देखने को मिलती है। बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पीड वाली बाइक जो हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ये हमें रेसिंग बाइक देखने को मिलती है, तो ये हमें जो MotoGP की भारत इवेंट है वहीं पे देखने को मिलेगी एंड शायद कुछ यूनिक जो राइडर्स है उसी को ये बाइक चलाने का जो है वो मतलब गवर्नमेंट शायद अलाउ करने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी किस तरह की आगे चल के हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही एंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।